राम राम भाई सबने, तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। तो हम लोग आज 20 तारीख है, 20 जून, और हम लोग टोरंटो प्रीमियम आउटलेट आए हैं क्योंकि भाई आज मौसी का लास्ट डे है। आज मौसी ने एयरपोर्ट पर छोड़ के आऊँगे बस जाने के बाद यहाँ पे। हम लोग वैसे तो सारा कुछ डन है, कुछ लिया भी हमने इस बार खास है नहीं, पर डगू के सैंडल ले गए थे तो वो छोटा साइज आ गया, वो बड़ा साइज लेना है। हम दोनों हैं मौसी और घर पैकिंग में मंड रहे हैं, तो आज वो अपना पैकिंग बुकिंग करा, खान पीन का थोड़ा बना हुए, तो इसीलिए आज मेरा थोड़ा मन नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी मंगा चलो बना लेते हैं। ताल मारे है ना, ये जबरदस्ती तो जितना बनेगा उतना बना लेंगे, कोई बात नहीं। घनी चरचरी धूप है इब तो कनाडा में भी भाई, 32 डिग्री टेम्परेचर होने लग गया। इंडिया के 50 के बराबर है, इंडिया के 50 के बराबर, हमने तो घनी गर्मी लग गई आड़े। पर नू से ये कि सारी जगह ऐसी चलता रहे ठीक ठीक, तो कोई ना हो मेरे तो घनी बुड्ढी सकल आ। धूप में ज्यादा प्रॉब्लम है, छामत ठीक रहे। हां चलो गाइस, तो जितना बनेगा उतना बना के दिखा दूंगी, बाकी आज इतना एनर्जेटिक व्लॉग नहीं है। तो फिर देखते हैं। भाइयों इतना बड़ा सैंडल लिया था डग्गू का, पर मम्मी ने कहा कि ये छोटा होगा उसका, वह इतनी बड़ी हो रही है। अरे बम बदलवाना है यार, ठीक लगे चलो हमने ये ठीक लगे, तो ये बोले इतना बड़ा आता ही नहीं इसमें, ई बम ने छोटा लगा। तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे, अब सैंडल महंगा है। सैंडल भाई के करेंगे, देखी जाएगी तू ले ले, देखी जाओगी तो पर आऊंगी छोटा। तो एज यूजुअल हम लोग भीतर बड़े, बस डग्गू के सैंडल से बदला है, उसमें बड़ा साइज था ही नहीं, तो पहलवान जी की तेवर चले गए और मैं की तेवर आ गई, क्योंकि वो फिर भाई मैं सोचूं कि और किसी का भी ले लूं और किसी का भी ले लूं, तो मैंने बाकी दोनों बालका का भी कुछ कुछ छोटा मोटा ले लिया, क्योंकि खुश हो जाओ बच्चे तो ज़रूरी हो उनका, तो तीन माह का कुछ ना कुछ आ गया है। और स्टेशनरी का तो मैंने बहुत सारा सामान लिया आया था तीन माह का, मैंने दिखाया नहीं ना थारे इस बार कुछ भी, कोई नहीं, तो छोटा मोटा करके बहुत कुछ आ गया। और मौसी का एक के बैग अलाउड है, उसमें देखेंगे आऊगा के केयर के नहीं, सामान तो बहुत हो गया। तो चल पड़े जी वापस, ये भी दर्द है। तेरे पास सब कुछ होएगा, कर दे बंद, चल बाय रियान। पर हम भी तो चलेंगे इंडिया, ले चल हमने भी। भेजू कर यान कट्ठा, चल चुप हो, चल नू नू करेंगे, जाओ जाओ ये वाला भाई है मौसी, चल चुप हो जा। मौसी चुप हो जा, हंस के जा, बाय चुप हो, बिल्कुल चुप हो, चुप हो जाओ, चल ही हो गया, बाय। मम्मी ध्यान दे, आ गए गाइस। तो मौसी को घर छोड़ के, मतलब मौसी को एयरपोर्ट पे छोड़ के हम लोग घर आ गए, ये सूट भी
मेरा और मौसी का बिल्कुल सेम था, मौसी ये लेकर आई है। और अब मेरी याद है इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि मैं थोड़ी देर सो रही हूँ गाइस, फिर बात करेंगे, बाय बाय। हाँ जी, तो मैं सो कर उठ ली हूँ। अरे आज का दिन पूरा रोलर कोस्टर हो रहा था। अरे मेरा मुंह भी इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा सूज रहा है। जब मैं रोया करूँ ना तो फिर मेरा मुंह थोड़ा और ज़्यादा मोटा लगे, इसीलिए जब तक मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है जब तक थोड़ा अजीब सी आवाज़ आ रहा, अजीब सा मुँह था। मेरा मन नहीं था व्लॉग बनाने का, क्योंकि जब कोई जावे या जब हम कनाडा आए तो सब ना पता कितना मुश्किल टाइम हो, इसीलिए मेरा कनाडा टू इंडिया आते हुए कभी कोई व्लॉग नहीं है, ना मेरा आते हुए ना कब मतलब किससे का भी आते हुए कोई व्लॉग नहीं है, क्योंकि कदे बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई। यहाँ तो जाते हुए ज़रूर है खुशी खुशी, लेकिन वहाँ तो आते हुए का कदे नहीं है। फिर मन सोचा लेकिन अब तो मैं कॉन्टीन्यूसली व्लॉगिंग करूँ तब मैंने बनाना चाहिए, क्योंकि हर टाइम नू हा हा ही थोड़ी ना होया करे, तो कदे कदे बुरा भी लग गया करे, कदे कदे लो फील भी होया करे। तो अज मैं सुबह उठी थी ना, मेरे अपने आप ही आख्या मैं तो टपर टपर होती उठी थी, पता तो था ही कि आज मौसी ने जाना है। 20 दिन के लिए आई थी मौसी, तो 20 दिन ऐसे पलक झपकाए और ख़त्म हो गए और मौसी चली भी गई। अब तो मौसी फ्लाइट में बैठ ली है और कल इंडिया पहुंच जाओगी, बस बस ठीक पहुंच जाओ। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है पहुंचे जी। इसीलिए मेरे पास आज मन देखा ही कुछ 5 मिनट का व्लॉग बना, कुछ ज़्यादा व्लॉग होया भी नहीं क्योंकि वहाँ पे मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लिया, थोड़ा बहुत अच्छा रहा होगा इसीलिए कि कर, तो फिर बस नो है। वैसे तो मैं सब तो स्ट्रोंगेस्ट समझू अपने आप ने, मैं नहीं रोया करते कदे अपने घर के आगे किसी के भी आगे, जाते आना आते आना भी जब बिल्कुल तान नहीं बाजती, जब भी लास्ट मोमेंट में बिल्कुल, अदरवाइज मैं रोया ना करूँ। और जब तक मैं कनाडा आई 2-3 साल हो गए, कुछ बात भी हो जाए या कुछ वैसे भी याद आ जाओ, कदे कदे वैसे ही हम लोग इमोशनली लो हो हैं तो कुछ हो भी है तो फिर मैं कदे नहीं रोया करती किसी के आगे। बहुत लास्ट हुआ ना, बहुत लास्ट की अगर मैं रो रही हूँ किसी के आगे तो ही मतलब बहुत लास्ट हो लिया मेरा, अदरवाइज मैं रोती नहीं सहजे ही किसी के आगे। तो फिर बस बेचारे दोनों बालक भी ज़्यादा उदास हो गए थे, और बस उसके बाद तुम्हारी मुस्सी सी मरी आई, जाती आना तो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा बोलने की कोशिश कर रहे थे कि एक्स्ट्रा बोल लें थोड़ा, ताकि मुस्सी ठीक थोड़ा स्ट्रोंगली चल जा, लेकिन आते आना तो हम नू पड़े आए। कोई किसी तो नहीं बोला, ना किसी ने किसी ताई कॉन्टैक्ट करा, सब चुपचाप उल्टे आके सो गए। ज़्यादा वो हो जाए, मैंने ये दिन बिल्कुल नहीं पसंद, ये बिल्कुल कट हो जाने चाहिए। जिस दिन आना हो ना वो दिन मैं बिल्कुल नहीं पसंद होता। और जब मैं पहली बार, सब तक पहली बार कैनेडा टू इंडिया टू कैनेडा आई थी, सब तक पहली बार कोरोना टाइम वैसे था, और मेरी टिकट पहला एक बार एक ने फ्रॉड करा तो वो कैंसिल हो गई, क्योंकि जब तो बहुत फ्रॉड होते और बहुत महंगी टिकट होती। फिर उसके बाद मेरी एक और टिकट, हाँ ना वो फ्रॉड वाली बात है, तो फ्रॉड वाले दिन था, मैं मतलब इतना ज़्यादा मैंने अपने दिमाग पर प्रेशर दे दिया और मैं इतना ज़्यादा सोचने लगी, मेरा उल्टी पड़ी रात ने और फिर मेरा बहुत दिक्कत हो गई, मैंने ज़्यादा प्रेशर दे दिया, मैं सोई नहीं, सारे सो गए, मैं भी सोन गया एक्टिंग करूँ लेकिन मैं सोई नहीं। मेरा बहुत दिक्कत हो गई थी उस दिन। तो फिर मैं सुबह उठी और फिर इमोशनल तो थे सारे, करड़ी बारिश आ गई। फिर उसके बाद सुबह उठने के बाद वाह मेरी फ्लाइट, हमने घर तक चलने तो पहले भी रोपॉट गया, मैं रात जी होगी सारे घर के ऐसा सब हो गया। पर मेरे एक के दम तो जान में जान आई फिर, लेकिन मेरी समझ में आ गया कि जब भी अगली फ्लाइट होगी मैं इतना वो नहीं करूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँ, क्योंकि बीपी सा लो हो गया था, नू हाथ पैर से मैं जान नहीं रही थी और रो रो के वो हो गया था, बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया था। तय फिर उसके बाद मेरे 3-4 दिन के बाद की घर के आना फ्लाइट करवा दी थी, फिर मैंने इतना वो नहीं करा था, मतलब मैंने सोचा कि जाना तो है ही, मैं एयरपोर्ट तक अंदर जाऊँ और वहाँ जाकर बीमार हो जाऊँ, हाथ पैर फूल जाओ तो कुछ नहीं, तो फिर वो एक तरीके से अच्छा भी होता। अगर मैं उसी दिन जाती ना जिस दिन मैं इतना प्रेशर ले गई थी तो दिक्कत हो जाती, 2-3 दिन बाद गई थी फिर मैं। 2-3 दिन बाद की टिकट हुई थी।
और ईव जब हम आए थे, मैं अरकुक को आए थे, जब भी भाई साहब बस दिन में चाहूंगी कट हो जाए, हार्ड हो ना अपने आख्या तागन जाते देखना, मेरा एक एक विजुअल हमेशा हमेशा याद रहे, जैसे रोते हों पीछे खड़े हों और हम लोग नू। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बाहर रहना, पर रहना पड़े, सब लोग रहे कोई बात नहीं, स्ट्रे स्ट्रोंग जोन से बाहर रहो। और जो चाहे तो यू तो बाहर हो गया, तो दूसरा देश हो गया। मैं अपना 12th के बाद चंडीगढ़ पढ़ने गई थी मेरे थोड़े जाके समझ में आ गया था, ये वैसे ही जो बालक घर में रहो नू बाहर रहेंगे, नू करेंगे नू करेंगे नू करेंगे, कोई लाइफ नहीं होती अपने घर से दूर, कोई लाइफ नहीं होती। मैंने वही समझ में आ गया था, मैं जब चंडीगढ़ जाती ना, मैं जब ये घर से रोती जाती, मेरी समझ में आ गया था भाई साहब की नहीं वैसे ही लग अपने 12th से पहला, पर वही लाइफ सब तो बढ़िया हुए। तो इसीलिए बस आज मेरी एनर्जी बहुत लो है, अभी भी मैं थोड़ा रोलर कोस्टर से पे हूँ, तो फिर कल ठीक हो जाऊंगी, कल मिलेंगे नेक्स्ट सरप्राइज के साथ इब तो थोड़ा कंटिन्यूसली चलते रहूँगे, कुछ ना कुछ हाथ आ ही रहा है, तो मिलेंगे फिर दोबारा से, इसीलिए बाय बाय। और आज मेरी एनर्जी, मेरा फेस और इग्नोर करना सब, ओके गाइस बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दियो। हाँ हाँ, और आज ही अपने यूट्यूब पे 10,000 भी हो गए, तो फिर उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि हम लोग लाइव आए या कुछ करें, तब तुम कमेंट में बताइए क्या करें। 10,000 फॉलोअर हो गए अपने कंप्लीट, और बहुत खुशी हुई मुझे, लेकिन आज वह खुशी किसी और बड़े गम ने थोड़ी छोटी कर दी, लेकिन कोई नहीं, खुशी तो बहाना टूटना चाहिए, खुश होना चाहिए थोड़ा। ये मैं कुछ खा पी लेती हूँ उठ के, क्योंकि मैंने सुबह तक ढंग से कुछ भी नहीं खाया, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं कुछ खा पी लेती हूँ। बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।